वो हमें सुनने आए यार क्या बोली जा रहे हो इनको सुनने आए हमें सुनने आए हो वो लव यू धरा रह गया सब मतलब यार।, यार मेरी पहली फिल्म आ रही मुझे बोलने का मौका दो यार थोड़ा सा चुप हो जाओ आप अगले जो हमारी फिल्म है जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत से फिल्म डायरेक्ट करी है उनको बुलाने से पहले मैं थोड़ा अपना काम कर लूं इतनी आवाज में काम होता है क्या थोड़ा अपना काम कर लू मुझे सुना आज रोज डे है ओह हो म्यूजिक बनता है म्यूजिक बनता है साथ में गाना गाता हूँ उसके मुझे पैसे आज मिले नहीं है बट फिर भी गा के जाऊँगा टेंशन मत ले तू <laughs> अच्छा इशारे तेरे मैं मैं चाहता हूँ आप सब गाओगे तो मैं भी गा देता हूँ और उसके लिए जरा शोर मचाना पड़ेगा आप लोगों को चलो आओ हाँ बट म्यूजिक हुक स्टेप चाहिए फिर उसके लिए गाना चलाना पड़ेगा बस उसके उससे पहले मैं दो लेने ऐसे गा देता हूँ इशारे तेरे कंगने दे तेरी के दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। इशारे तेरे कंगने दे तेरी के दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू वाह वाह। मतलब इसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट एंट्री एंड द स्टॉलवर्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज एवर अनुपम सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी बस शुरुआत ही कर रहे थे हम यहां पे, है ना तो तो शुरुआत में ही मैं चाहूंगा सीधे ये जिम्मा आपको दे दिया जाए सर आपने ट्रेलर देखा नहीं देखा अभी मैंने नहीं देखा अभी तक नहीं देखा मैं बता देता हूं यहाँ पे अभी आपको रिस्पॉन्स से पता लगेगा हम सब ने देख लिया नंबर ऑफ तो फैन है, बहुत अच्छे। <laughs> <laughs> He has of fans, आपके हम फैन fan है हम सब आपके फैन है सर बट बहुत अच्छा लगा फिल्म के दौरान It's It's so wonderful 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 to work with people who are uh, major in one field field. and 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 getting into another field. Yeah. It's their film, and we have a wonderful producer and a producer cast कर नाटक करते हैं ये सब लोग ये ऐसी कोई नीचे तक नहीं झुकता नहीं मेरी सर वीडियो है उनके पास रिकॉर्डिंग में पूरा नीचे तक झुका नहीं <laughs> नहीं 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 आप यहाँ तक गए थे बट आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म इतना टाइटली बहुत अच्छा है कुछ खट्टा हो जाए हमारे यहाँ हमेशा बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए तो जो इसमें मीठा वो मैं हूँ और खट्टे ये दोनों हैं <laughs> पूरा परिवार हमारा मीठा अदरवाइज इनके साथ कॉम्पिटिशन है हमारा

हम रूम में जब स्क्रिप्ट सुन रहे थे हम सब हंस रहे थे और आई थिंक उसी हंसी की वजह से और जिस इस मूवी का पार्ट बनने का मौका मिला उसके लिए थैंक यू और अनुपम सर को जब मैं पहली बार मिला तब से लेके आज तक मुझे ऐसा लगता है मैं आज भी सर को पहली बार वैसे मिल रहा हूँ मेरे दिल का इमोशन वही है कि मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ और इनसे पहली बार फिर कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ आज और जो पुराना सीखा हो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और नया फिर से आज सीख रहा हूँ और मूवी में जब पहले दिन हम मिले थे और आ, आ, सर ने मेरे को पूछा तेरी कौन सी मूवी है कितना नंबर मूवी है तो मैंने कहा मेरी पहली मूवी है सर तो सर ने बोला मेरी पाँच मूवी है और और मेरे को बड़ा अंदर से ना प्राउड फील हुआ और मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने ना कुछ ऐसा अच्छा करा है कि मैं सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो भी अपनी पहली मूवी में उसके लिए सर आपका थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड विद यू और मैं इंटरव्यूज में भी ये कह रहा हूँ कि ये सबकी ही मूवी है ये सारे ही इसमें एक्टर्स हैं और वी आर जस्ट डूइंग इन द मूवी हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं बट मूवी ये सारे ही सुपर स्टार स्टार है इस मूवी में इसको मेगा सुपर स्टार आप लोगों ने बनाना है आप ही की ये मूवी है आपके जैसी मूवी है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस मूवी को सपोर्ट करो और जरूर देखो सही दिस वंस फॉर यू यू नो टॉकिंग अबाउट योर डेब्यू फिल्म देन उसके बाद मेजर हुई और अब ये वो ग्राफ बड़ा एक अलग सा रहा है लाइक like, Truly, you know, uh, I believe, you believe in the fact कि मुझे हट के फिल्में करनी है. What do you have to say on that? और यहाँ पे कुछ, या चलेगा चलेगा. गुलाब <laughs> से भी आवाज निकलेगी साई के हाथ में है तो. <laughs> जी. So, how has the journey been for you? और with this crew specially, what do you have to say? Um, I think this crew has been the kindest, sweetest, most fun crew that I have ever worked with. And I think that reflects on screen in the trailer. You can see how much fun we've had, how much love we've put into the film. and i hope that that love comes back tenfold hundredfold um and i think it's been a great experience um the entire filming and i'm so glad that it's turned out so well wo bahut khoobsurat dikh raha hai sab kuch screen mein wo chemistry badi kamal ki lag rahi hai to mujhe bataiye zara if you had to describe uh, in word word ya yahan pe kuch unke bare mein batana ho thoda masala da tank chao oi hai hard bahut tank khichte hai kiski मेरी सबकी <laughs> नहीं मैंने कभी टांग खींची नहीं आपके तो चलो वैसे नहीं खींच सकता ये <laughs> <laughs> जितना मासूम दिखता उतना मासूम है नहीं है बिल्कुल भी <laughs> <laughs> नहीं सर आई uh, थिंक सही के साथ uh, मैंने सही से भी बहुत कुछ सीखा इस मूवी में uh, क्योंकि सही मेरी सीनियर है एज व्हेन इट कम्स टू मूवीज और uh, सीनियर ही रहेगी हमेशा और मेरी फर्स्ट हीरोइन है तो मैं सही को उतने दिल से

थैंक यू सो मच सही हमें पता चला है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है जिनका डांस आपको बहुत ज्यादा पसंद है आई मीन इट्स ओमाद्री दीक्षित मैम ओके बहुत खूबसूरत जी वैसे ही जैसे इन्होंने बताया कि बड़ा फैमिली वाला माहौल रहता था हाँ. मजा करते थे हां कभी-कभी लगता था कि हां एक्टिंग हो रही है <laughs> लेकिन बड़ा मज़ा आया और तालमेल जैसे गुरु का आपने देखा हाँ। कि हीरो है भाई हीरो हीरो होता है लेकिन उसके अंदर हीरो हीरो होता है अभी कोई बात नहीं है हाँ। देखा आपने जैसे बड़े बुजुर्गों की जैसे यहाँ पैर छोड़ दिखाने के लिए नहीं वैसे ही सेट पे भी सबकी इज्जत करना रिस्पेक्ट करना मतलब वही चीज़ फैमिली वाला माहौल था पूरा और काम करने में आ, सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर को बोलूँगा प्रोड्यूसर भी रिलैक्स हमारे और पूरी तरह से हमारे साथ फिल्म के साथ यानी और खेर साहब तो ही है ही हैं उनके लिए कुछ कहना मतलब क्या कहें और पूरा सपोर्ट गुरु को भी हम सबको जहाँ पर जरूरत पड़ती थी गाइड करने की वो करते थे और डायरेक्टर ग्रेट मतलब यू <laughs> सभी <laughs> लोग और सारी सपोर्टिंग कास्ट जी जो यहाँ पर इस वक्त नहीं है बहुत अच्छा मज़ा आया उनके साथ काम करने में थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अतुल सर 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 अभी सबने सब कुछ बोल दिया है हाँ. तो अभी मेरे लिए सिर्फ ये बोलना बाकी रह जाता है कि जिसने मुझे इस फिल्म में पहलवान का रोल दिया है हाँ. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए कि यार मुझे पहलवान का रोल ऑफर हुआ है हाँ. <laughs> तो मैंने सिर्फ इतना सुन के ये फिल्म साइन की है बाद में तो जो फिल्म में अभी आप देखेंगे कि मैंने क्या काम किया है काम हर किसी से सीखना पड़ता है हर किसी से सीखना चाहिए मैंने जितना अनुपम जी से सीखा है उतना ही गुरु से भी सीखा है सही से भी सीखा है और अतुल जी से भी सीखा है हमारे जितने भी हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं सबकी एक स्ट्रेंथ रही है जिसको मैंने इम्बाइव किया है और मैं चल मैं सोचता हूँ कि आगे जाके उसका मैं यूटिलाइज करूँ अच्छे से आगे आगे आने वाली फिल्मों में आगे yeah. जो भी मैं काम करूँगा सो थैंक यू एवरी और अमित uh, जी थैंक यू सो मच अशोक जी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स होप आप लोगों को मजा आया फिल्म देखने के लिए तो प्लीज जाइएगा और देखिएगा क्वेश्चन पूछा नाउ यू नो मैं एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ मेरे मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ मेरे घर में मेरे फैमिली में चाचा मेरे उतने ही क्लोज हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया चाची हो गई जॉइंट फैमिली हो गई जैसे अनुपम जी इस फिल्म में हैं वैसे मेरे घर पे मेरे फादर हैं कर्नल भाटिया तो ये सब चीज़ जो मैं घर पे देखता हूँ वो वैल्यूज़ मैंने इस पिक्चर में लाने की कोशिश की है और मेरे ख्याल से एज अ टीम हम लोग सब लोग इस इसमें कामयाब हुए हैं ना ये एक बहुत अच्छी पारिवारिक और सारी फैमिली की देखने वाली पिक्चर है ये पिक्चर आ, एक टिकट दो टिकट वाली पिक्चर नहीं है ये चार टिकट वाली पिक्चर है पूरा परिवार देख सकता है बैठ करके पांच गाने हैं बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे हमने दो गाने रिलीज किए हैं आगे हमारे को आपके लिए सरप्राइज है गाने का तो इसलिए ये जोन की पिक्चर रिलीज की गई है ताकि सब लोग कट्टे बैठ करके एक म्यूजिकल पिक्चर देख सके जब आ, मेरे को पता चला कि प्रोड्यूसर्स भी पहली बार फिल्म बना रहे हैं तो मैंने ज़्यादा इसीलिए साइन करी कि इनको भी उतनी मेहनत करनी पड़े जितनी मेरे को करनी पड़ेगी <laughs> और हम जिस दिन से फिल्म शुरू हुई है और आज तक हम दोनों नर्वस ही हैं उस दिन से और उस दिन से मेहनत ही करी जा रहे हैं उस दिन से अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं ताकि हम जिस जिस कोशिश जो कोशिश हमने दिल से करी है वो लोगों के दिल तक पहुँचे और जब भी मैं इनको कॉल करता था यार मेरे को आज थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा मेरे को लो फील हो रहा है फिल्म कैसे प्रमोट होती है कैसे होता है मैंने तो गाने गाए हैं तीन मिनट के लिए स्क्रीन पे आता हूँ ये दो ढाई घंटे के लिए मेरे स्क्रीन पे रहना पड़ेगा ही इज़ टू से वन वर्ड भी आग लगा देंगे <laughs> और वो मुझे लग रहा है आग तब लगेगी जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे थैंक यू अमित भाई फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस मूवी क्योंकि बाक़ी सब ने तो बहुत सारा काम करा है uh, मेरे को ऑन बोर्ड ले आने के लिए वो जो आपने दिल दिखाया है और मुझे लगता है कि वो मैंने भी उतना ही दिल आपको दिखाया है मूवी में आके मू मेहनत करके उसकी तैयारी करके और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा करियर शुरू करने के लिए इन मूवीज़ थैंक यू सो मच थैंक यू वी वांट टू थैंक एवरीबॉडी इन आगरा हु हैज मेड दिस फिल्म पॉसिबल आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेडर ऑफ आगरा बट आई थिंक द सिटी इन एवरी फिल्म हैज स्पेशली विद अ फैमिली फिल्म शोक हैज कैप्चर सिटीज का जो अपना एक मिडिल क्लास फैमिली का है जॉइंट फैमिली का है खाना ओ माई गॉड वहाँ पर हम प्लेंग हलवाई इन द फिल्म और इतनी परेशानी होती थी क्योंकि बेस्ट दुकान में मैं उन्होंने सेट पे बनाया हुआ था तो सिटी ऑफ आगरा थैंक यू सो मच मे एवरी सिटी ऑफ द कंट्री वॉच दिस गिव दिस लव दैट वॉज गिवन टू अस बाई आगरा पीपल जेनुअनली मैं बता रहा हूँ आपको ब, वो जो सेवनटीज एटीज के जो धर्मेंद्र जी वाला लुक था ना फील था ना वो नूर आपके शक्ल में दिख रहा है सुबह जब उठते हो आप वैन यू सी योर फेस ऑन द मेर डू यू फील दैट वे एज वेल ऑल द गर्ल्स ओवर हियर डू यू एग्री डज हैव यस यार पहले तो आपने आ, एक्टिंग के भगवान से मेरे को कम्पेयर कराया उनका नाम ही लिया मेरे नाम के साथ उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार आपका और धर्मेंद्र सर आई थिंक वी कम फ्रॉम द सेम स्टेट और उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कराया इंडियन सिनेमा को और अगर आप कह रहे हो तो मैं ये बात एक परसेंट मान लेता हूँ बट मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ Uh, मुझे उनकी दुआएं चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए जितने भी इंडिया के सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम कराया लाइफ में जिनको देख के हम सब ने एक uh, सिनेमा को प्यार करना शुरू करा उन सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए बट uh, uh, एक बार अगर आपने धर्मेंद्र सर का नाम लिया तो हम चाह मैं चाहता हूँ आप सब धर्मेंद्र सर के लिए शोर मचाओ एक बार yes, Like you rightly said, he started. Sunny Ji, Bobby bhi continue continued. Now it's you who is taking the legacy forward. Of course, one more question uh, goes to both you and Sai as well. Ki

मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे टीवी पे आना है आ, वो मैंने पहले शुरू गाने से करा तो मैं गाने से टीवी पे आया अब मेरा मूवीज़ का मन है तो मैं मूवीज से टीवी पे आ रहा हूँ बट मुझे लगता है कि आ, जो भी फिल्मी बैकग्राउंड से भी हैं उनके भी मॉम डैड ने कभी ना कभी ऐसे जीरो से शुरू करा होगा उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा ड्रीम देखा होगा अब आगे बच्चे हो गए हो तो सबके बच्चे होने ही अब वो ये तो नहीं रोकेंगे अब मेरे बच्चे नहीं करने क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आ जाएंगे हाँ बट मुझे लगता है कि जो भी दुनिया का इंसान सिंसियर एफर्ट कर रहा है हार्ड वर्क कर रहा है वो उसी को पता है उसी की मेहनत है और उसी उसकी मेहनत को रंग कब लगता है जब ऑडियंस उसको प्यार करती है तो जो किसी को भी चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से है या नहीं है उसको अगर ऑडियंस प्यार दे रही है तो मतलब ही इज़ मेड इट और आप लोगों का प्यार ही है तो आर्टिस्ट आगे बढ़ता है हम चाहते हैं आप लोग सबको प्यार करो दुनिया में बट हमें थोड़ा सा ज़्यादा करो हमें ज़रूरत है

मेरे को ये वेटरन वगैरह का जो खिताब है थोड़ा डरावना लगता है दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड्स वे ऑफ टेलिंग यू दिस इज हाउ वॉन्ट वी लुक एट यू आई वॉन्ट टू लुक एट माई सेल्फ इन अंप्लीटली डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफकोर्स आई ब्रिंग इन माई एक्सपीरियंस माई लव फॉर द एनी फिल्म दैट आई एम डूइंग बट बिकॉज अर्लियर आई वॉज रनिंग फास्ट नो वेयर एम वॉकिंग स्लोली सम वेयर सो दैट इज़ आई थिंक द डिफरेंस I also have a question for the producers Amit sir and Lavina ma'am. Uh, I wanted to know how easy or difficult was it to get such an amazing star cast together. You know, I'll be very honest. Um, God has a plan for everything. So for me, Sai made all the difference. हमारे लिए, हमारे घर में और सेट पे, Sai एक लक्ष्मी का रूप है, एक 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 बच्ची का रूप है. When Sai came into the movie, everything fell in place within, say, a week or 10 days. So, this, this credit goes to Sai, and it was an easy ride. There's a small trivia here. Uh, I don't know whether this is a fiction or truth. You will confirm it right now in front of everybody. Sai's dad.

यस थैंक यू सो अनुपम सर तब लखनऊ में शूट कर रहे थे तो जब ये पता चला कि ऐसे अनुपम सर का होना इसमें ज़रूरी है और हम इतनी बड़ी कास्ट अनुपम सर को कास्ट कर सकेंगे कि, कि नहीं कर पाएंगे ये भी क्वेश्चन मार्क था सो देन वी टुक द फर्स्ट फ्लाइट एंड वी वेंट टू लखनऊ एंड वी वर प्रेंग टू गॉड के अनुपम सर हाँ बोल दें, क्योंकि अनुपम सर हाँ नहीं बोलते तो सब कुछ ना हो जाता थैंक थैंक यू यू सर फॉर ट्रस्टिंग नो व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट इट वाज वंडरफुल सही मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा कि आप आई की स्टडी कर रहे हैं तो रियल आपकी लाइफ में अगर तो स्टडी को लेकर आपका कैसा नाता था मैं एक्चुअली बहुत अच्छी स्टूडेंट थी लगती नहीं हूँ शायद बट बहुत अच्छी थी लगती ओके थैंक यू मैं एक टीचर्स थी मैथ्स में टॉपर थी तो मेरा बहुत अच्छा नाता था स्टडीज के साथ अम um, पर एक्टिंग से प्यार हो गया फिर क्या करें बस अनुपम साहब से भी पूछना चाहूँगी कि uh, जिस तरह से हमने देखा है कि यूनिक लव स्टोरी दिखाई गई है uh, क्या कुछ आपके रीजंस थे आपने कहा स्क्रिप्ट तो वंडरफुल थी ही फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट और क्या कुछ रीजंस नो आई थिंक द सब्जेक्ट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट आई थिंक इट्स द सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैज कम इन इंडियन सिनेमा एंड आई एम सेइंग इट विद एक्सपीरियंस वेरी गुड एंड आई मस्ट से वन और टू वर्ड्स अबाउट

आई फिल्म में जो भी इमोशन आप महसूस करते हो आप वो इमोशन दिखाते हो वही इमोशन दुनिया तक पहुंचती है और फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है उस इमोशन को कैप्चर करने के लिए जो पहली फिल्म बार, में बार, पहली बार निकली थी हाँ प्रॉब्लम इनके साथ अब आने वाली है मेरे साथ प्रॉब्लम आने नहीं वाली क्योंकि मैं अनुपम सर को जानता हूँ

and the fact that he can sing easily, it was not that he was guru indhawa, this pop star, this cultural icon or something like that. he was there to sort of sing and he has an ease about his singing. he has a very pleasing personality, which that's the best thing about this cast. they're very please, pleasing to eye. it's not nothing to do with good luck or good looks. it's something to do with having a beautiful heart. तो, महसूस मतलब तो कर रहे हैं और आपने अपनी जान फूक दी हमने देखा है कि मतलब आप आ, मतलब गाना भी गा रहे हैं और मतलब लिरिक्स भी लिखे हैं म्यूजिक भी कम्पोज किए हैं तो आप कहीं ना कहीं टफ कॉम्पिटिशन फेस करेंगे क्या है क्या यार ये क्वेश्चन मेरे लिए होना नहीं चाहिए वैसे <laughs> क्योंकि जिन यार वो सारे सुपर लेजेंड्स हैं यार और हम सब उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरा किसी के साथ कंपटीशन है नहीं मैं अपने आप को ही प्रूव करने में लगा हुआ फ्रॉम डे वन जैसे सर ने बोला मैं भी अपना हर दिन ऐसे शुरू करता हूँ जैसे मेरा पहला दिन है काम पे मैं पहली बार लोगों से मिल रहा हूँ पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ पहली बार माइक होल्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं ईजी हो चुका हूँ मैं अनइजी रहना चाहता हूँ सारी लाइफ और आ, मैं चाहता हूँ जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के वो मुझे प्यार करें यार और वो मुझे सपोर्ट करें मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें और जहाँ तक गाने कंपोज करने की बात है आप लोग ही नाराज़ होते हैं अगर मैं खुद गाने इसमें ना गाता या ना लिखता क्योंकि आप कहते फिर लोगों के लिए गाने इतने करें अपनी फिल्म के लिए करा करानी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है मेरा कंपटीशन अपने साथ है और उसी को मैं रोज कम्पीट करूंगा अपने आप को ही चालीस साल बहुत से मीठे पल रहे होंगे आपके लिए लेकिन कोई एक ऐसा पल कोई जो आपके लिए जहन में रहा हो और वो कुछ खट्टी यादें देता हो ऐसा कोई एक पल आपके है जब तक खट्टी चीजें ना हो तब तक तब तक मीठी चीज का एहसास नहीं होता है खट्टा खाने के बाद ही मीठा खाने का मजा आता है ना तो ऐसा ऐसा किसी का जीवन थोड़ा वो रास्ता ही क्या जिस पर खा, खाया ना हो वो रास्ता ही क्या जिस पर स्पीड ब्रेकर्स ना हो वो रास्ता ही क्या जिसमें खट्टी चीजें ना मिलें आई वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना आई बिल्ड माई का तो अच्छा होना चाहिए रास्ते में खटास होनी चाहिए परेशानियाँ होनी चाहिए उतार चढ़ाव होने चाहिए तभी मज़ा आता है रास्ता चलने का वरना uh, क्या फायदा सीधी से सड़क है आप चले गए तो आई आई वेलकम प्रॉब्लम ऑफ माई फेलियर्स एंड माई बैड एक्सपीरियंसिस बट आई डोंट रिमेंबर सो मच टू टू लुक फॉरवर्ड लाइफ आई एम

हाउ इजी इट वॉल बिकॉज हमने देखा है कि स्क्रीन पे यू लुकिंग क्वाइट ईजी यू नो और जैसे माई कलीग्स है धर्म जी की याद दिला रही है और उस तरह की जो फिल्में थी ना वो एक थोड़ी सी झलक हमें ऐसा लग रहा था आप में एक्चुअली एंड साई टू यू ऑल्सो लाइक यू नो कॉमेडी कितना ईजी या डिफिकल्टू फाइंड इट अनुपम जी तो माहिर है इस चीज़ में लाइक एक्टिंग के गुरु है क्या कहना है और उन्होंने कितना हेल्प किया इस चीज़ को या पहले तो कॉमेडी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमें पता चला था कि जियो शोक सा डायरेक्टर है जिनको हिंदी बहुत कम आती है <coughs> <laughs> <laughs> तो मुझे लगा यार मतलब सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर हो ही होने हैं क्या लाइफ में बट <laughs> देन <laughs> जब मैंने सर के साथ पहले दिन हमारी सब कास्ट मिली जब पहले दिन सब एक दूसरे इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो मैंने सर को बोला मैंने कहा सर देखो मेरे को ना मेरी पहली फिल्म है और मैं नहीं चाहता मैं किसी को भी नाराज करूँ मुझे सेट पर यही लगता रहता था कि मेरे चक्कर में टेक ज़्यादा ना हो मैं यही दिमाग में लेके घूम रहा था और टाइम ना खराब हो किसी का भी क्योंकि वो दिन सबके बहुत बिजी शेड्यूल में से निकल के सब आए थे फिर मैंने सर जी अशोक सर को बोला मैं क्या मतलब मेरे को एक्टिंग अभी मेरा पहली बार है मैं सीख रहा हूँ मैंने वर्कशॉप भी ली हैं और मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है मुझे लग रहा है मैं करेक्टर जी सकता हूँ तो सर को मैंने बोला कि क्या करना है तो मुझे कहते कुछ नहीं करना है तूने सिर्फ वहाँ पर आना है तुम्हें अपने डायलॉग्स बोलने हैं जो तू फील करता है बस वही फ़ील करना है और मैंने सारी फिल्म में वो फील करा है और जब हम रुकते थे जब कभी अटकते थे जब सर के साथ शॉट होता था तो सर सबको खड़ा करके स्क्रिप्ट पकड़ा के सबके डायलॉग्स रिहर्स करवाते थे उसमें एक इजीनेस आ जाती थी उसमें ऑटोमेटिकली आप जब तीन चार बार करते हो यू you नो know आप कब आपकी आपका डायलॉग आना कब आप ने इमोशन देना कब होना है जो भी होना है उस सीन के दौरान तो आई थिंक कॉमेडी हो या जब आप एक बार मैदान में उतर ही गए तो फिर कॉमेडी हो या एक्शन हो या फिर जैसी मर्जी मूवी हो फिर आपको आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत हो जानी चाहिए और मेरे को बहुत टाइम से आदत है यार ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की मुझे अपनी लाइफ एवरीडे और ब्यूटीफुल बनानी है आई थिंक आई डिजर्व ऑल दिंगीन आई थिंक ये सेट इतना हस्ता खेलता था कि कॉमेडी एक्टिंग नहीं हो रही थी सच में कॉमेडी हो रही थी सेट पर एंड आई रिमेंबर की जब भी थोड़ा कुछ सीरियस हो जाता था अनुपम सर हमें लेके जाते थे डमशराज हम खेलते थे हम बर्ड बिल्डिंग खेलते थे ही वुड लाइटन अप द होल एटमोसफियर एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर रियली मेड द होल जर्नी इजी एंड नहीं आई थिंक रोमांस इज अटिल बट मोर हार्ट फॉर मी बिकाज आई लिटिल शाए इट टेक्स मी लिटल टाइम टू कॉमेडी आ जाती है ये चालीस साल शारी से बरकरार हूँ मैं आप लोगों की वजह से आप लोगों की वजह से ऐसे ही रहना मेरे साथ अगले चालीस साल तक दोस्तों नमस्कार